बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज आपको बता दें, इंसान जिस जिंदगी पे अपनी उम्र पे इतना गुमान करता है और इतना अपने आप को बहुत ही बड़ा होशियार समझता है दुनिया में आके, तो उसका आखिरी में क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ जो भी कोई भाई मेरे चैनल पे आया हो, मैं उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो मेरे चैनल को, और बात को थोड़ी सी भी सच्ची या अच्छी लगे तो ज़रूर बता देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो मेरे प्यारे हजरात। तो आपको बता दें दोस्तों, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, तो आपको बता दें बहुत सारे ऐसे इंसान के दरमियान मोड आते हैं जब 40 साल की उम्र में ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का फर्क ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या आपने सोचा है, जब 40 साल की उम्र इंसान की आती है, उसमें जो भी कोई कम पढ़ा लिखा होगा या ज़्यादा पढ़े लिखा होगा, उसमें क्या दोस्तों फ़र्क हमारा ख़त्म हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। बात को गौर से समझना। लेकिन ये नहीं, इंसान आता है इस दुनिया में खाली बस अपनी दौलत पे गुमान कर बैठता है दोस्तों, और जो कि वो दौलत उसकी नहीं है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि किस तरह से 40 साल की उम्र में पढ़े लिखे इंसान का भी फ़र्क ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों। बाजी दफ़ा तो कम तालीम याफ्ता अफराद कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने देखा होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं उस पढ़े लिखे से भी। लेकिन दोस्तों, ये पढ़ाई लिखाई की बात दरमियान में हम आपसे नहीं करना चाहते। ये बात का मसला जो है कुछ और आपको हम समझाने वाले हैं अपने इस बयान में मेरे प्यारे हजरात। लेकिन वीडियो पर अच्छी तरह से आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगी सारी बात हमारी मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, 40 साल के बाद तो पढ़ाई लिखाई का जो भी फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों हर इंसान का। लेकिन जब 50 साल की उम्र में बदसूरती और खूबसूरती का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों। जब इंसान की 50 साल की उम्र होती है, हमने आपको बोला पैदा होने से और बुढ़ापे तक की ये सारी बात हम आपको समझाएंगे। 50 साल में जो कोई इंसान आपको खूबसूरत समझता था, उसका भी ख़त्म हो जाता है। चाहे कोई बदसूरत हो या खूबसूरत हो, उसको सेम एक जैसा लगने लग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, अपने ज़माने की किसी हसीन तरीन इंसान के चेहरे पर भी झुर्रियाँ नज़र आने लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 50 साल की उम्र आ जाती है, लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या अपने आप को सोचने लग जाते हैं। तो ध्यान से वाक्य में दोस्तों एकदम गौर अंदाज करना हम क्या कहने वाले हैं आपसे। तो 60 साल की जब उम्र आती है दोस्तों, उम्र में बड़े अहदे और छोटे अहदे की जो कि हैसियत ख़त्म हो जाती है, यानी कि जिसका कोई बड़ी हैसियत है वो किसी ओहदे पे, यानी कि हम किसी मुलाजमत के बात कर रहे हैं, तो 60 साल के बाद वो भी फ़र्क ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसकी सब कुछ हो जाता है ना, सब कुछ ख़त्म मेरे दोस्तों उसे 60 साल की उम्र में आने के बाद। तो दोस्तों, सिर फिरे बे रद करेट को रेटा टर्मिनेट के बाद दोस्तों दफ्तर का चैप्टर उसी चौकीदार भी सलाम नहीं करता। आपको बात समझ में आई दोस्तों, जब वो अफसर होता है तो उसको हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब 60 साल के बाद में उसको वहाँ का चौकीदार भी सलाम करना पसंद नहीं करता मेरे दोस्तों। ये आप इस ज़िंदगी का जो गुमान करते हो ना, उसी के बारे में हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 70 साल की उम्र में छोटे घर और बड़े घर का फ़र्क ख़त्म हो जाता है मेरे प्यारे हजरात। बात को समझना दोस्तों, घुटनों की दर्द और कमर की तकलीफ़ की वजह से सिर्फ बैठने की जगह ही तो चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो समझ लेना बात को दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको। और जब दोस्तों 80 साल की उम्र में पैसे की कदर वे कीमत ख़त्म हो जाती है, जब इंसान 80 साल का हो जाता है मेरे प्यारे हजरात। आपको अगर बात समझ आ रही होगी तो वीडियो को देख लेना। 70 साल की उम्र में दोस्तों
छोटे घर और बड़े घर का फर्क खत्म हो जाता है। घुटनों की दर्द और कमर की तकलीफ की वजह से सिर्फ बैठने की जगह ही तो चाहिए मेरे प्यारे हजरत। तो 80 साल की उम्र में तो हमने बता दिया, 80 साल की उम्र में पैसे की कदर वे कीमत खत्म हो जाती है। अगर अकाउंट में करोड़ों और जेब में लाखों रुपए भी हों तो कौन सा सुख है वो खरीद लोगे आप? पैसों की दौलत से आप करते थे ना पैसे का घमंड, तो दोस्तों 80 के साल में कितने लाखों करोड़ों हो के भी तो कौन सा सुख खरीद सकते हो मेरे दोस्तों? समझना मेरी बात को मेरे प्यारे हजरात। तो 90 साल की उम्र में सोना और जागना एक बराबर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब इंसान की 90 साल उम्र हो जाती है मेरे प्यारे हजरात, जाग कर भी क्या तीर मार लोगे मेरे प्यारे दोस्तों? अगर जागोगे भी फिर क्या कर लोगे? अगर सोए हो तो फिर भी क्या कर लोगे? जब अल्लाह ताला इंसान को 90 साल की उम्र देता है मेरे दोस्त, तो बात अगर समझ में आ रही होगी प्लीज़ दोस्तों बताना ज़रूर। मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा माजरा, जो ज़िंदगी में आप इंसान लोग दोस्तों किस तरह से आप क्या करते हो, घमंड रखते हो इस ज़िंदगी से, इस उम्र को बोलते हो कि बस सब कुछ हमें ये उम्र ही है मेरे दोस्तों। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक नज़ारा एक बात बताई है मेरे दोस्तों। लिहाजा आज से ही अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को अल्लाह की रजा में सिर्फ कर दो, यानी कि खर्च कर दो मेरे दोस्तों, और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहो मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि जब इंसान, तो आपको मैंने बताया ज़िंदगी का उस वो इंसान जब 40 साल की उम्र में आ जाता है तो किस तरह उसका दोस्तों मुश्किल कितना वो हो जाता है सब कुछ, उम्र ज़्यादा पढ़े लिखे की मान समझो ख़त्म हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ये याद रखना मेरे दोस्तों, अगर बात को समझ में आए होगी तो समझ लेना, वीडियो को पॉज करके देखना। इस बात में हमने आपको इस तरह से आपको नसीहत की है, और दोस्तों ये हर किसी के लिए मेरे प्यारे हजरात, ये हर किसी पे वाजिब होता है जो मैंने आपको ये बात बताई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा बस अल्लाह को राज़ी करने में लग जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। अभी भी कुछ ना बिगड़ा, अल्लाह ताला जानते हो आपको अपने बंदे से आखिरी दम तक इंतज़ार करता रहता है कि काश मेरा ये बंदा मेरे पास आ जाए दोस्तों। जब ये सूरह रहमान में बोला है, सूरह रहमान की सूरह में दोस्तों, फबी आई आला रबी कुमा तुकज़िबान, दोस्तों अपने रब को किस किस नियामतों से तुम झुटलाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जब बुढ़ापा आ जाता है हर कोई परेशानी तुम्हारे छूने लग जाती है दोस्तों। आपके चाहे लाखों करोड़ जितना भी दुनिया में कमाया हो मेरे प्यारे हजरात, किसी काम का नहीं वो सुख नहीं खरीद सकते तुम दोस्तों, जो अल्लाह की नियामतें होती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे तो तुमको अल्लाह का नाम भी नहीं ले पाओगे सही तरह, लेकिन जवानी होती तो तुम अल्लाह का नाम भी लेते और उसकी रजा उसको राजी भी कर लेते। लेकिन बुढ़ापे तो पता है ये एक दिन हमें जाना है, तो अब तुम क्या करोगे मेरे? लेकिन अल्लाह ताला देखता रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे मांगे, मुझसे मगफिरत करे और मुझे दोस्त बनाए। तो मेरे दोस्तों अपने आप को संभालो और अल्लाह को राजी कर लो, जितना हो सके उसे राजी कर लो। आमीन सुम्मा आमीन।